नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक रोचक विषय लिया है मैंने वार्ता के लिए, चर्चा के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनसे हम ये जान लें कि हमारा जीवन साथी मित्रवत, सहयोगी और सदाचारी होगा। क्योंकि आज के समय में ये एक बड़ी दिक्कत बनती जा रही है कि वैवाहिक संबंध मधुर नहीं रहते, टिकाऊ नहीं होते। एक आम आदमी और अन्य क्षेत्र के लोग इस समस्या को अपने अपने नज़रिए से देखेंगे, उसका आकलन करेंगे, लेकिन एक ज्योतिषी तो इसे ग्रहों की व्यवस्था से ही समझने और समझाने का प्रयास करेगा। जीवन में हानि लाभ, सुख दुख, मित्र शत्रु, ये सब ग्रहों के अधीन है। प्रारब्ध वश ही सब कुछ होता है। ज्योतिष तो उस प्रारब्ध को बस पढ़ लेने का, जान लेने की विद्या है। साथ साथ हम क्या उपाय करें, क्या नीति युक्ति अपनाएं कि समय के साथ, घटनाओं के साथ तालमेल बिठा सकें, बस यहाँ ज्योतिष हमारी मदद करता है। अपने मन को घटनाओं के बारे में प्रिपेयर्ड कर सकें, इस बारे में भी ज्योतिष हमारी सहायता कर सकता है। खैर, अब बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ या व्यवस्था हैं ग्रहों की जो हमें बताती हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। तो मित्रों, जन्म पत्रिका में पहला भाव या हाउस होता है लग्न, जो आप स्वयं हैं, और सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। और ये दोनों ही भाव एक दूसरे से ठीक विपरीत होते हैं। एक तरह से आप इसे ऐसे समझ लें कि आप और आपका जीवन साथी दो विपरीत केंद्र हैं, जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरह। ये संबंध जन्म लेते नहीं बनता, बल्कि बाद में बनता है। एक ऐसे व्यक्ति से आप विवाह बंधन में बंधते हैं जो घर परिवार क्षेत्र से दूर का व्यक्ति है। कभी कभी तो ये धर्म और जातिगत दूरी भी बन जाती है। किसी को जन्म लेते नहीं पता होता कि कौन उसका जीवन साथी होगा, बाद में संबंध जुड़ते हैं। सप्तम भाव पार्टनर का भी होता है, तो इस संबंध का निभना इस बात पर तय होगा कि आपका तालमेल कैसा बैठता है। हाँ, ये बात अलग है कि विवाह हमारे सनातनी परंपरा में एक संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। लेकिन इस बात को अच्छे से समझ लें कि आप और आपका जीवन साथी दो विपरीत ध्रुव हैं। यदि उस विपरीत ध्रुव से बेहतर तालमेल के योग हैं, तो वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक चलता रहेगा। तालमेल यदि नहीं है, तालमेल में कहीं कमी हुई, तो फिर यह संबंध बिल्कुल नहीं चलने वाला। कुछ रिलीजन्स में तो विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक संस्कार है। इसलिए हमें विवाह एक हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय होता है। बस हमें अब यही देखना है कि कुंडली क्या कहती है, कि तालमेल रहेगा आपका आपके जीवन साथी से या नहीं। देखिए, एक और बात समझ लें कि पति पत्नी का तालमेल आर्थिक स्थिति या स्टेटस पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी बड़े स्टेटस वाले क्यों ना हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपका विवाह संबंध आजीवन टिका रहेगा। यदि तालमेल अच्छा है तो निर्धनता में भी संबंध बना रहता है, टूटता नहीं है, बल्कि बहुत ही सुखद रहता है। तो मित्रों, सबसे पहले आप कुंडली में सप्तम भाव को, सप्तमेश को और इसके कारक को देखें। इसी तरह लग्न, लग्नेश और कारक को देखें। अब यह देखें कि लग्नेश का सप्तमेश से के साथ संबंध कैसा है। इनमें यदि 6-8 का संबंध है, यानी षडाष्टक योग है, या द्वादश का संबंध है, 2-12 का, तो थोड़ी सी खटास उत्पन्न होनी स्वाभाविक है, होगी। दूसरी बात ये देखें कि सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है, उसकी स्थिति पर विचार करने के लिए सप्तम भाव को देखें। इसमें यदि अशुभ या पापक ग्रह हैं तो आपका तालमेल अच्छा नहीं रहने वाला। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये सब
सेपरेटिंग प्लैनेट्स हैं, संबंध विच्छेद करा सकते हैं। सप्तम भाव को देखने के बाद सप्तमेश को देखें, यानी सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को, यानी सप्तम भाव में जो राशि पड़ी हो उसके स्वामी को। अब यदि ये अशुभ भावों में है सप्तमेश, ऐसे 6, 8, 12 भावों में, या अशुभ और सेपरेटिंग प्लैनेट्स के साथ है, तो भी आपका जीवन साथी आपके विचारों से तालमेल नहीं रखेगा, मतभेद रहेंगे। अंत में तीसरी बात ये देखें कि पत्नी कारक शुक्र और पति कारक मंगल की स्थिति कैसी है। कुछ विद्वान गुरु को पति कारक मानते हैं। अब किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति भी कमज़ोर हुई तो फिर ये तय मान लें कि आपका साथ निभने वाला नहीं है। इसी तरह स्त्री की कुंडली में यदि कारक मंगल कमज़ोर बैठे हैं तो फिर साथ निभेगा नहीं, सुख आपको नहीं मिलेगा जीवन साथी का। अब यदि किसी कुंडली में ये तीनों ही फैक्टर्स, यानी भाव, भावेश और कारक, सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक अशुभ हैं, तो ये तय मान लें कि जीवन साथी का सुख आपके भाग्य में नहीं है। यदि तीनों ही बातें आपके अनुकूल हैं तो फिर आपका साथ ताउम्र रहेगा, हंसी खुशी से वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। तीन में से कम एक बात तो आपके फेवर में होनी ही चाहिए, तभी कुछ सामान्य स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। मित्रों, जैसे हम लग्न चक्र में ये योग देखते हैं, वैसे ही हमें इस योग को नववांश में भी देख लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे सप्तमेश चतुर्थ या दशम भाव में हो, भाग्य या लाभ भाव में हो, पंचम में हो, तो जीवन साथी के आने के बाद लाभ का योग बनेगा। यदि गुरु की दृष्टि है तो और भी अच्छी बात। पत्नी कारक ग्रह शुक्र बलवान हो कुंडली में, तो भी पत्नी के आने के बाद आपका जीवन बदलेगा, लाभ होगा, आपका तालमेल अच्छा होगा। यदि कुंडली में सप्तमेश और कारक मजबूत हैं तो निश्चित मानिए कि वैवाहिक जीवन आपका बड़े आराम से चलता रहेगा। मित्रों, मैं पुनः कह रहा हूँ, इन योगों को जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश चक्र में भी देख लेना चाहिए, ताकि हमें रिजल्ट्स का बिल्कुल सही पता लग सके। यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सियाराम, नमस्कार।